अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा, ये आप लाइव टर्टल देख रहे हैं, लाइव है, ठीक है, ये बहुत जिंदा है। आप इसमें देख रहे हैं ये सांस है, ये अपनी जो ये जो अपना जो फेस है ये देखो बाहर निकाल रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, देखें, ठीक है, ये लाइव है, देखें आप, ठीक है, ये लाइव है, ये मेरी बात भी सुन रही है और आप इसको देख रहे हैं, ये लाइव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि इसमें मुझे इंटरेस्ट कैसे हुआ पढ़ाई में। मैं आपको बताऊं कि मैं जब छोटा था, 9th क्लास में था, तो 9th में जो बायोलॉजी थी मैं पढ़ता था, खेतों का काम भी करता था, तो खेतों में काम करता था तो मुझे काफ़ी सारे जानदार जो है वो खेतों में दिखाई देते थे। तो वहाँ भी डिफरेंट स्नेक्स, टर्टल, जो भी जानदार हैं, जो भी रहते हैं, जैसे स्नेक है, टर्टल है, या हमारे पास फ्रॉग हैं, ये जो हमारे पास जो स्कॉर्पियन है, काफ़ी इंसेक्ट्स हैं, काफ़ी जानदार मैंने अपने हाथों से देखे हैं, अपने हाथों से उनको पाला भी है। तो मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में इसलिए बढ़ा कि मैंने जो खेतों में काम किया तो मुझे काफ़ी डिफरेंट जो है जानदार नज़र आए, तो मैंने उन पर एक्सपेरिमेंट किए प्रैक्टिकल। आप तो ये इसमें जो स्टूडेंट जो सिटी वाले हैं तो वो तो बस बुक में ही उसकी पिक्चर देख लेते हैं, लेकिन हम तो ऐसे ऐसे जानदार को हाथ में लेकर उनको प्रैक्टिकल करते हैं, उसकी डाइसेक्शन करते हैं, हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा सिस्टम है, कैसे इनकी जो है रेस्पिरेशन हो रही है, कैसे डाइजेशन हो रही है, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, मेल फीमेल का कैसा पता चलेगा। तो मैंने अपने हाथों से इन जानदार को पाला है, प्लांट को भी मैंने अपने हाथों से जो है वो उगाया है कि फ्लावर कैसे होते हैं, कौन से प्लांट की कौन सी वैरायटी है। बॉटनी के अंदर भी मैंने अच्छा पढ़ा है, मैं तो एमएससी जूलॉजी हूँ, लेकिन मैंने बायोलॉजिस्ट क्यों, क्योंकि मैंने जानदारों को अपने हाथों से पाला है और जानदारों पे प्रैक्टिकल किया है लाइव, जैसे आप लाइव देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एक जिंदा टर्टल है, ठीक है। इसी तरह हमने अपने सांप को भी, जो भी खेतों में रहते थे, सांप को भी मैंने हाथ से पकड़ा था, उसका डाइसेक्शन किया था, ठीक है, वो भी वीडियो में आपको अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है, सांप का भी। तो यहाँ पे मैंने टर्टल को पकड़ा है, आप देख सकते हैं, देखो ये लाइव है, ये मैं आपको बताऊँ कि ये क्लास रेप्टालिया से कंसर्न है। किस क्लास है? रेप्टालिया, क्रीपिंग एनिमल्स। आपके एमपीगेट में भी ये टॉपिक है, किंगडम एनिमल के अंदर ये इसका जो रिलेशन है, किंगडम एनिमल के अंदर है, ये रेप्टाइल्स है, इसकी स्टडी हम हर्पेटोलॉजी के अंदर करते हैं। और ये आप इनका ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, बहुत ही हार्ड है, इसको कारपेसी बोलते हैं, खारपेसी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है एनिमल है, आपको दिखाई दे रही है, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि देयर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट मीन्स वेरिएबल टेम्परेचर, ये कोल्ड ब्लडेड है, ये रेप्टाइल से इनकी जो इवोल्यूशन हुई है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो वर्टिब्रेट में हमारे पास एम्फीबियंस के पहले फिशेज आई, फिशेज के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद ये जानदार आए हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है। मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ी, मैंने कभी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा, मैंने गवर्नमेंट में पढ़ा है, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में एमएससी जूलॉजी की, फिर एमएड भी किया है हमारे पास जो है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से, अलामा इकबाल से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेचर ने मुझे सिलेक्ट कैसे किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था बायोलॉजी के अंदर, मुझे जानदार मिले खेतों में, मैंने काम किया, मेरा जहन ओपन हो गया। आपको पता है कि जो गाँव वाले जो स्टूडेंट होते हैं, एक तो पढ़ते नहीं, अगर पढ़ते हैं तो जाहिर बात है वो बायोलॉजिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि उनका जहन खुला होता है, ये फ्रेश एयर होती है, ज़ाहिर बात है हर तरफ जो है हरियाली होती है, तो माना यहाँ पे जो है घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है खेतों में, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट, प्रैक्टिकल हम अपने हाथ से देखते हैं, ठीक है। एमडीकेट में लेक्चर है, आप इनको अच्छी तरह जो है देख लेना। मैंने आपको बताया कि ये रेप्टाइल्स से बिलोंग करता है, इनकी जो हार्ट चैम्बर है मैं आपको बता दूँ, 3 है, और ये खुद सुन रही है, ठीक है, ये देखो ये खुद सुन रही है, मैंने इसके बारे में बताया कि इनके हेड चैम्बर भी 3 हैं, देखो फिर ये वापस इनकी जो है वो जा रही है। ये अपने फेस को क्यों छुपाती हैं? फॉर प्रोटेक्शन। अल्लाह पाक ने हर एनिमल्स के अंदर ऐसी ना कोई खासियत ज़रूर रखी है कि वो प्रोटेक्ट करें। देखो सांप कितना मजबूत होता है, लेकिन वो जो है हेजहॉग से जो है वो डरता है, हेजहॉग छोटा मैमल है लेकिन उससे डर, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, ठीक है, वो जामुसा उर्दू में बोलते हैं उसको। यहाँ ये टर्टल है, टर्टल की भी टाइप है ना, टर्टल एक होती है टेरेस्टल, ये सुन रही है, एक होती है एक्वाटिक, तो जो एक्वाटिक में रहती हैं कुछ एक्वाटिक में ज़्यादा रहती हैं तो कुछ टेरेस्टल कंडीशन में ज़्यादा रहती हैं। टर्टल टर्टॉइज में फ़र्क है, टर्टल एक्वाटिक है मोस्टली, जो टर्टॉइज है वो मोस्टली टेरेस्टल है, ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इनकी जो इवोल्यूशन है मैंने आपको बताया,
कि ये जो है एम्फीबियन से एवोल्यूशन इनकी हुई है, ठीक है। पहले फिशेज आई थी वर्टिब्रेट में, उसको एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स आए। इसमें हार्ट के चैम्बर 3 हैं, लेकिन एक जो रेप्टाइल्स है उसमें 4 चैम्बर हार्ट हैं, वो क्रोकोडाइल है। ये इंटेलिजेंस की पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है लेकिन उसके हार्ट चैम्बर 4 हैं, यहाँ पे इनके 3 हैं। आप इनके फेस को भी देखें, यहाँ पे इनके जो पाँव हैं, पाँव देखें, ये पाँव भी छुपा रही है, देखो कितना प्रोटेक्शन कर रही है, नीचे भी मजबूत है, ये पाँव भी छुपा रही है। आप देखें, खाती नहीं है क्योंकि मेरी इनके साथ फ्रेंडशिप है, आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप नहीं है कि मैं इनसे नहीं डरता, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। आपको तो डर लगता होगा मेरे चैनल को देखकर या मेरी इस एनिमल को देखकर कि ये जिंदा है, ये कहाँ यूट्यूब से बाहर ना निकल आए और हमें ना काटे। डरने की बात नहीं है, मेरे हाथ में फ़िलहाल आप जो है अपनी शांति से, अपनी जो है सब्र से इस वीडियो को देखें। मेरा कहने का ये मकसद है कि नेचर ने मुझे बायोलॉजिस्ट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इस। हमारे टीचर ने मुझसे सवाल किया कि दुनिया में महंगी महंगी चीज़ कौन सी है, तो मैंने बताया जो महंगी चीज़ है वो इंटरेस्ट है, क्योंकि पैसों से भी नहीं मिलता। मेरा इसी में इंटरेस्ट था, तो नेचर ने मुझे सिलेक्ट किया, बायोलॉजी सेलेक्ट किया, ठीक है। जो अल्लाह पाक जैसे चाहता है ऐसा होता है, लेकिन इंसान मेहनत करे क्या होता है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा कि मैं जैसे जो है बायोलॉजिस्ट बना, क्योंकि मैंने जो किया, आप देख सकते हैं, आप ये जो खेते हैं देख सकते हैं, इधर आए आप देख सकते हैं देखो ये जो राइस का फसल है, हम जा रहे हैं यहाँ पे विजिट करने आए थे, रिसर्च करने आए थे एनिमल का। तो ये जो एनिमल है हमें यहाँ से मिला था, ये जो राइस आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो राइस का फसल भी देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ से एनिमल हमें मिला था। अब हमें यहाँ इनको छोड़ूंगा। अगर आप वो चैनल मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप इसको देख रहे हैं, ये लाइव है, देखो अपनी ये जो अपनी जो इसका फेस है, पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू टेक इंटरेस्ट एंड एवरी जॉब इज नॉट इट मनी इफ यू हैव एबिलिटी देन मेनी जॉब्स आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, आज के लिए काफ़ी था, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ पानी में, आप देख सकते हैं ये पानी में कैसे जाएगी, मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ से जो है ट्रेवल करेगी, यहाँ से ट्रेवल करेगी, आप देख रहे हैं ये जा रही है, देख रहे हैं ये गई।